हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे वॉलनट ब्राउनी। तो इसके लिए देखिए, वो सबसे पहले जो है वो डार्क कंपाउंड जो है चॉकलेट का, वो हम लोग मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने वन लेयर का डार्क कंपाउंड लिया है। सारी मेजरमेंट्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ पे आज हम लोग जो चॉकलेट है उसको डबल बॉयलर मेथड से जो है मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी नीचे एक बर्तन रख दिया है गैस पे, और उसमें मैंने पानी डाला है थोड़ा, जैसे कि नीचे का पानी जो है बॉइल होगा तभी जो है हमारा ऊपर जो हमने बर्तन में चॉकलेट रखा है वो मेल्ट होगा। तो यहाँ पे आइए हम लोग पहले जो है वो चॉकलेट को मेशर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चॉकलेट को जो है मेशर किया है, और मैंने इसको बारीक पीसेस में कट किया है जिससे कि ये जल्दी से जो है वो मेल्ट हो जाए। आप इससे भी बारीक पीसेस कर सकते हैं, लेकिन इतने इनफ है क्योंकि इसमें जो है आपका चॉकलेट जो है मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे अभी देखिए, मैंने इसको रख दिया है मेल्ट होने के लिए। तो इससे आपको मेक श्योर करना है कि जो नीचे वाला पानी है वो आपके ऊपर का जो बर्तन है उस पे जो है पानी लग नहीं रहा, सिर्फ बाफ जो है नीचे का बाफ से ही आपको जो है पूरा चॉकलेट को मेल्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे का बर्तन थोड़ा छोटा ही लिया है जिससे मेरा ऊपर वाला बर्तन उस पर जो है अच्छे से स्टक हो जाए और जो नीचे का बाप है वो मेरे चॉकलेट में ना जाए। तो यहाँ पे मैं देखिए अभी आपको चॉकलेट मेल्ट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो चुकी है अच्छे से। अब जो है हम इस मेल्टेड चॉकलेट को जो है वो साइड में रख देंगे और हम वॉलनट ब्राउनी के लिए बाकी की चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए, हमारा चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब फिर हम इसे जो है वेट मशीन पे रख के हम जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये रूम टेम्परेचर का जो था वो मैंने बटर इसमें ऐड किया है, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें मिल्क मेड ऐड करेंगे। मिल्क मेड और बटर आपको दोनों भी जो है रूम टेम्परेचर का ही लेना है, इसे फ्रिज से ठंडा निकाल के आप नहीं डालेंगे। और ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को जो है आप अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपका बटर मेल्ट नहीं हो रहा तो आप इसको फिर डबल बॉयलर पे रख करके बटर और मिल्क मेड को अच्छे से मिक्स कीजिए। यहाँ पे देखिए, मैंने फैब का वेनिला एसेंस जो है वो यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम हाफ टी स्पून जो है एसेंस डालेंगे। आप हाफ से भी कम डाल सकते हैं क्योंकि ये एसेंस बहुत स्ट्रांग होता है, तो आप हाफ से कम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने कैस्टर शुगर लिया है, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है हम अच्छे से जो है मिक्स करेंगे, और फिर जो है हम इन्हें साइड में रखेंगे। ये आपको बना के साइड में रखना है। तो जितने भी वेट इंग्रेडिएंट्स थे हमने उनको एक साथ मिक्स किया है। हमने शुगर शुगर जो है आप इसमें भी डाल सकते हो, या फिर आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स में भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने इसमें ही डाला है। अब जो है हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे वो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें सीव करना है। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे बाउल रखा है वेट मशीन पर, और यहाँ पे मैंने मैदे को सीव कर लिया है। फिर यहाँ पे हमने लिया है कोको पाउडर। हम कोको पाउडर को भी जो है अच्छे से सीव करेंगे, क्योंकि बहुत बार कोको पाउडर में भी जो है आपको इस तरीके से गुठलियाँ दिखती है, तो हमें इसको अच्छे से सीव कर लेना है। अब जो आपने स्पून देखा, ये 1/4 टीस्पून स्पून है, और इससे मैं 2 बार जो है 1/4 1/4 करके मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, और हम बेकिंग पाउडर को भी जो है सीव करेंगे। और इन सारी चीज़ों को सीव करने के बाद आपको जो है ओवन को पहले प्री हीट करना है। 180 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, दोनों कॉइल आपका ऑन रहेगा। वो 10 मिनट्स प्री हीट करके रखेंगे, आप करेंगे तभी ही जो है आपको तुरंत ये वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके आपको तुरंत के तुरंत इसको जो है ओवन में रखना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो वेट इंग्रेडिएंट्स थे हमारे उसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ में मिक्स कर दिया है। अब इसमें हमें जो है और एक चीज़ ऐड करनी है, वो है पानी। तो हम पानी को भी जो है वो मेशर करके लेंगे जिससे कि हमारा जो ब्राउनी है उसका टेक्सचर ख़राब ना हो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पानी को भी जो है मेशर कर लिया है, और हम इन सारी चीज़ों को जो है अभी अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो है हमने जो टिन लिया है जिसको हमने ग्रीस करके रखा हुआ है बटर पेपर से, वो टिन में जो है हमें इसको इस बैटर को पोर करना है। आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, तो आपका वेट और ड्राई दोनों इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अच्छे से मिक्स होना चाहिए।
यहाँ पे देखिए, मैंने मिक्स करने के बाद यहाँ पे वॉलनट को क्रश किया था एकदम फाइन पाउडर में, और वो मैंने इसमें पाउडर डाला है। आप इसमें पीसेस भी डाल सकते हो, लेकिन जब आप ब्राउनी कट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, इसके लिए मैंने यहाँ पे पाउडर डाला है वॉलनट का। और फिर यहाँ पे देखिए, मैंने इसको जो है बैटर को टिन में पोर कर दिया था। हम इसे गार्निशिंग के लिए, एक डिज़ाइन हमें चाहिए तो इसके लिए हम उसको ऊपर से जो है फिर वॉलनट से जो है टॉपिंग करेंगे। तो इससे क्या है, आपके ब्राउनी में लुक भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने वॉलनट को जो है वो थोड़ा क्रश किया था, और इसको देखिए मैंने इसके ऊपर अच्छे से जो है स्प्रेड किया। अब इसको आप अच्छे से टैप करके आपको ओवन में इसे 25 से 30 मिनट रखना है। तो ये देखिए, हमारी वॉलनट ब्राउनी बिल्कुल एकदम अच्छे से जो है वो रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए, मैंने इसके पीसेस भी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि इसके पीसेस भी कितने अच्छे से हुए हैं। इसका हाइट आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने जो टिन लिया था वो थोड़ा लंबा था, और हमारा बैटर उसमें जो है कम पड़ गया, इसके लिए इसका आपको हाइट नहीं दिख रहा। लेकिन आप छोटा अगर टिन लोगे तो आपको काफ़ी अच्छा हाइट मिलेगा। आप भी इस ब्राउनी को बना के देखिए, और ज़रूर ट्राई करके मेरे को बताइए कि आपकी ब्राउनी कैसे बनी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।